हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार अग्रवाल। दीपक जी कहाँ रहते हैं? नेपाल में। इंडिया कैसे आए? इंडिया आँख का ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्या हो गया आँख में? रेटिना पिगमेंटेशन हो गया था। तो किसने बताया आपको रेटिना ट्रीटमेंट हो सा है? हमारी तो मेरे शंकर मित्रालय में दिखाया था, तो वहाँ पता लगा। क्या होता था आपको? पहले रात में कम दिखाई देने लग गया, उसके बाद दिन में भी ग्रेजुअली रोशनी घटते चले गया, फिर साइड विजन भी कम हो गया। अच्छा, दिन में रात में? दिन में भी दिक्कत रहता है चलने में। वो साइड विजन कब से कम हुआ? साइड विजन भी 4-5 साल से धीरे धीरे कम होते चला गया। तो गाड़ी वगैरह आप चला पाते हैं कि नहीं? नहीं चला। तो सारा बिजनेस वगैरह सब परेशान हो गए होंगे उसमें? क्या से परेशानी आती है, कहीं आना जाना ये वो सारी जाने में बहुत मुश्किलें हो गई हैं उसके। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुए कि आपको साइड से कम दिखता है? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन चलते फिरते ठक्कर लगता है। टक्कर लग जाती है तो कई जगह टक्कर लग चुकी है आपको? सीढ़ी चढ़ने उतरने वगैरह में नया जगह परेशानी होती है? परेशानी उनका घर वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होता। वैसे कहीं जाते नहीं है डॉक्टर साहब, मोस्टली मतलब कहीं नहीं जाते, घर की सिवा कहीं नहीं जाते हैं। कितने सालों से कहीं नहीं जा रहे हैं आप? 10-12 सालों से। जब से आपको रात में दिन में दिखना कम हुआ तब से आपने कहीं जाना बंद कर दिया? या जाते भी हैं तो किसी के साथ जाते? किसी के साथ जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं क्या है, ये आपके फील्ड ऑफ विजन है। तो मात्र राइट आंख में आपको लगभग 3.5-4 इंच की नजर है और बाकी पूरा खत्म हो गया है साइड विजन। और लेफ्ट आंख में आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, टारगेट ही दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सेंट्रल टारगेट ही नहीं दिख रहा है, तो आपका पेरिफेरल विजन लेफ्ट आंख का अपन ले नहीं सकते। अब ये जो भी परेशानी आपको आ रही है गाड़ी चलाने में, आने जाने में, नॉर्मल रूटीन में, वो सारी चीजें तभी ठीक होंगी जब आपका सेंट्रल विजन पेरिफेरल विजन बढ़ेगा। तो हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको जल्दी से जल्दी फायदा हो, और जो भी फायदा होगा हम हर कोर्स के बाद आपको बताएंगे। नमस्कार। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है। तो दीपक जी क्या परेशानी थी आप? इससे आपकी पेरिफेरल विजन पूर्णतः खत्म होती जा रही थी और लेफ्ट आंख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये पहले कोर्स के बाद आप देख रहे हैं पेरिफेरल विजन में क्या चेंज आया। ये आपका पेरिफेरल विजन करीब करीब 3 इंच के सर्कमफ्रेंस हो गया, नीचे 4.5, ऊपर 2.1, और 3 इंच का आपको यदि इसका एवरेज निकाल ले तो सर्कमफ्रेंस आ गया है। तो इसके लिए बहुत सारी बधाई हो। आपको खुशी हो रही कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हुआ? लेफ्ट आंख में बढ़ना शुरू हुआ, अच्छा लगा। राइट आंख में भी आपको करीब करीब 100% फायदा हुआ है और उसका भी पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हो गया है। दूर में आपकी नजर करीब करीब 30 फीट बढ़ी है और रंग पहचानना आपने पहले कोर्स के बाद शुरू किया है। आपने आज 2 लेटर बताए हैं, 12 और 9। तो बहुत सारी बधाई हो। इसी तरह आपका पास का विजन भी बढ़ना शुरू हुआ है। कुल मिला के आपको काफी फायदा होना शुरू हुआ है। अब आप खुश हैं आपको जो फायदा हुआ उसको? हाँ खुश है, और ये खुशी बरकरार धीरे धीरे बढ़ती चली जाए तो और। हाँ, बरकरार रहे और बढ़ती चली जाए, दोनों चीजें आपको चाहिए। और हम प्रयास करेंगे कि आपकी खुशियाँ बढ़ती चली जाए और आप दिन पर दिन जो इंडिपेंडेंस डे इंडिया का है उस तरह आप अभी आजादी के साथ घूम फिर सके। बहुत सारी बधाई आपको। हाँ मैडम, आप भी अपने पतिदेव के साथ उनकी जिंदगी की लड़ाई में शामिल हैं। अंधत्व से आपका जो युद्ध चल रहा है आपके पतिदेव का, उसमें आप भी बरोबर की भागीदार हैं, बरोबर से आप उनका साथ दे रही हैं। आप दीपक जी की रोशनी पढ़ने से आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही डॉक्टर साहब, आज वो दिन था जो मैंने मतलब सुना है ये चीज। क्या सुना था आपने? बस मतलब आज रोशनी बिल्कुल आंखों में नहीं थी, वो आज शुरुआत हो गई है, बहुत खुशी हो रही है। तो अब आपको पूर्ण तरह विश्वास हो गया कि डॉक्टर ऋषभ जी सूरदासों को रोशनी दे सकते हैं? हाँ, अब मुझे सब भाई बहनों को, माताओं को, सबको मैं बोलूंगी हाँ डॉक्टर ऋषभ जैन के पास जाओ और जरूर वहाँ मतलब अपनी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी खत्म होती रोशनी रुकेगी और बढ़ना चालू हो जाएगी, जो खत्म हो चुकी है वो वापस आ जाएगी। तो दीपक जी को भी यही हुआ कि उनकी लेफ्ट आंख की रोशनी पूर्णतः चली गई थी और आज वो इससे फिर से देखना चालू हो गई है, शुरू कर दिए हैं। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार तक, और आपका जीवन व संघर्ष जितना जल्दी कम हो हम उसका प्रयास करेंगे कि आपको ये परेशानियां कम से कम उठाना पड़े। दिल, मध्य
प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय। Numbers and it's like in a different color, but trying to do these every we're like, oh, it's a 7, oh, it's a 62. I'm